दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मराठी। मैं मनीष। मैं काजल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। जिसको देख के बड़े बड़ों का पसीना छूट जाए, तो आओ उठाओ अपने अपने लन। यार इसका गा को ला बोलना बड़ा दिक्कत देता है। दुनिया बदलने चला है, अबे इसकी जुबान बदलो पहले कोई। अबे लदो आओ, भरो अपने लन में लोलिया, तैयार हो जाओ, आ जाओ। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? इस पे पहले मैंने हाथ रखा था, इसको देखा पहले मैंने था। हाँ तो देखने से क्या होता है, देखा तो तूने सलमा को भी था, होगी क्या तेरी वो? इतनी सारी बंदूकें, कोई भी उठा लो यार। एंथनी भाई समझा लो इसे, पर्सनल जाएगा ना तो यहीं सूद दूंगा इसको, इसका बाप भी नहीं बचा पाएगा। ए! बाप पे मत जाइयो, मेरा बाप आ गया ना अभी, यही मुत्ता फिरेगा। अबे एक ही बाप की फिक्स डिपॉजिट हो तुम, कोई और उठा लो बंदूक। लूंगा तो यही, मैं भी यही लूंगा। छोड़ दे इसको, ये मेरी है। छोड़ दे, पर ओए वो छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, लग जाएगी, मार दूंगा मैं तेरे, मार दूंगा तेरे, मार दूंगा मैं तेरे, मार दूंगा। हर मिशन थोड़ा बहुत खून मालती है, और ये एक लोली मेरे जज्बे को नहीं बिलाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती ये एक लोली। सही कहा बात, अब तो करना ही पड़ेगा वोट। नहीं, अरे तो चलोगे कैसे? चलूंगा चलूंगा मैं, चलूंगा।
बना ले जाऊला, मैं तुमको लेके चलूंगा। ठीक है भाई, आप जाओ आप जाओ। भाई 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 भाई, एंथनी भाई आप पीछे रहो, हम आगे जाते हैं। पीछे रहो आप, जाओ एंथनी भाई। हेलो सर, वेलकम टू फ्लाई थाई। हेलो सर, वेलकम टू फ्लाई थाई। हेलो मैम, वेलकम टू फ्लाई थाई। हेलो सर, वेलकम टू फ्लाई थाई। हाँ अब बैठ गया यार वंदे एक्सप्रेस में। हाँ अब वैष्णो देवी जाके फोन कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जय माता दी। और मैम ये थाईलैंड कितनी देर में पहुंचा देगी? सर जल्दी ही, आप प्लीज सीट लीजिए जी। अच्छा सर्विस उतर के मिलेगी या फ्लाइट में भी कुछ फैसिलिटी? एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब कोई बात नहीं जी, इंतजार कर लेंगे हम, क्या फर्क पड़ता है। हेलो सर, वेलकम टू फ्लाइट है। कैसे हो आप? हेलो सर, वेलकम टू फ्लाइट है। हेलो, पिंकी तू? एंथनी तू? सर वेलकम टू फ्लाई थाई। अबे वेलकम लया, तेरा तेल लेने हीरोइन बनने के लिए छोड़ के लई थी ना मुझे तू। सही पिक्चर चल रही है तेरी, कौन शूट कर रहा है? जौहर की कश्यप? सर मेरी कुछ वेब सीरीज में बात चल रही है, मैं एक दो वीडियोस हर्ष बेनीवाल के साथ भी कर चुकी हूँ, तो बस फ्री टाइम है सर। अबे जा, तेरी वेब सीरीज आरसीबी जैसी है तू, उनको भी हर साल लगता है ट्रॉफी मिलेली ट्रॉफी मिलेली, लेकिन उल्ला लाला ले हो करके निकल जाते हैं। अबे सुन बे हल्के तुल्ले, बहुत हो रहा है तेरा, सीधा सीट पे जाके रपट मार, तो जो आधा पौना बचा हुआ है ना तेरा उसे भी तोड़ दूंगी। आई बात समझ? हेलो सर, वेलकम टू फ्लाई थाई। अमर, हेलो सर, वेलकम टू फ्लाई थाई। आय 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 आय, तुम कैसे करोगे थाईलैंड जाके? हेलो। हाँ जी सर, आप बैठ गए फ्लाइट में? हाँ शुक्ला बैठ तो गया हूँ, लेकिन फट रही है यार मेरी, आई थिंक आई कांट डू इट। अरे सर आप इतना क्यों सोच रहे हैं यार, हाइट का फोबिया है यार शुक्ला मुझे। सर आप पागल हैं, लेजेंड ऑफ पिंडारी के राइटर हैं आप, वहाँ थाईलैंड के फीफी आइलैंड पर लोग आपका सैंड आर्ट बना रहे हैं, आप अपने फैंस को नाराज करोगे? तो क्या करूँ क्या यार मैं? अरे सर गोली दी तो है आपको, उसको मुंह में रखो, आंखें बंद करो और अपनी किताब के बारे में सोचो, आंख खुलने से पहले थाईलैंड में होंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है। Hello passengers, you're all set to fly. A captain will address you in a while, then we will take off. Over to the captain. Hello everyone, hope you are doing absolutely fine. This is the captain Saurav Juneja. We will take off in exact 3 minutes. So kindly fasten your seat belts. Also guys, do subscribe to my YouTube channel Little Beast. Guys, jaldi se 10k karwa do warna plane pani mein gira dunga. Kya hua papa? Bad gayi? अमर अकबर, टाइम आ लिया है कोई आखिरी सवाल। हाँ ये हम फोन पे क्यों बात कर रहे हैं, नेटवर्क तो आ नहीं रहे। मिशन मैं ऐसी बात करते हैं, मैंने पिक्चरों में देखा है। खैर अब सुनो, मेरे कोड वर्ड पर सब अपने अपनी बंदूकें निकाले ले। कोड वर्ड क्या? कोड वर्ड है। मेरी बारी है ना, मैं माँ से गाऊंगी। कोडवर्ड है माई नी माई मुंदेर पटेरे बोल रहा है काला। मैं ले जाऊला, वेट फॉर माई ऑर्डर्स। यस बॉस। माई नी माई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है काला काला। मैं गासी गाऊंगी गासी गाऊंगी। गुपचुप 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 लंबा लंबा घूंगा। ए अनु कपूर है हम यहाँ ताशे खिला रहे हैं। प्लेन हाईजैक हुआ हाईजैक। हाईजैक।
बस इधर गया। ए बुट्टे देख रहा है ये सारी की सारी कहीं उतार दूंगा। हाँ तो उतार दे। नहीं उतार दे ला मैं उतार दे। बुड्ढे असली है चल जाए ली वो रख नीचे उसको। हाँ बेटा असली है। अभी मैं इससे इसको मार के दिखाता हूँ। हाँ अंकल अंकल मुझे मारो और यहाँ नहीं यहाँ मारो बिल्कुल यहाँ। पॉजिटिव। हाँ भाई आलिया स्वाद लो लंदो। बेटा यहाँ कैसे पीछे चल लो। ए बुड्ढे तुम कन की बात कर रहे समझा चल इधर खड़ा हो चल। बैठो इसलिए बस इसलिए तुझे काम नहीं मिलता इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है जो तू चल जाके पीछे खड़ी हो। अमर देखो कुछ ही लेना ये पायलट का मर लिया बहन का थोड़ा। लीडर को मार दिया ये तो बड़ा मसला खड़ा हो गया। हाँ तो इतना मसला क्यों जो खड़ा हो गया। So guys, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं थाईलैंड और वहां से लेके आऊंगा मैं आपके लिए बूम बूम व्लॉग्स। गाइस मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया। हाँ भाई कैसा है सारे व्लॉग देखता मेरे हैं बोलो बोलो बोलो। भाई साहब ये क्या है लन समझा बहन के लन हाईजैक हो लिया है तू। हाईजैक गाइस इट्स रियली अनएक्सपेक्टिंग मैं हाईजैक हो गया हूँ और मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही है क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पहले मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा और आई गेस हमारे हाईजैकर का भी ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि बिना गन अनलॉक किए मुझे डरा रहे हैं। गाइस मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में तब तक जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर शेयर जरूर करना ठीक है। वन शेयर इक्वल टू वन प्रेयर फॉर मी। बाय गाइस। भाई एक थंबनेल के लिए फोटो ले ले। हाँ एक आ जा। अबे ये टप्पू उतराने के मिनिएचर बंद कर इसको बंद कर जल्दी कनेक्ट कर अपने डिपार्टमेंट में। हेलो हेलो फ्लाइट हाई एविएशन फ्लाइट TH-50 इज हाईजैक्ड प्लीज सेंड हेल्प सेंड हेल्प। क्या मतलब गार्ड मराओ डिस्कनेक्ट हो लिया तो कनेक्ट कर नहीं तो साले तुझे डिस्कनेक्ट कर दूंगा। और जब तक बोलू नहीं ना प्लेन हवा में उड़ता रहना चाहिए लैंड नहीं होना चाहिए। यार ऐसे मत बोलो भाई आज शाम को 4 बजे फूम फूम व्लॉग्स अपलोड करने रीच खत्म हो जाएगी यार। जल्दी कर वापस आऊं ना कनेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बता देते मैं करवा देता हेल्प हाईजैक में। ए तू नीचे बैठ नीचे बैठ। ए नीचे बैठो सालो हराम जादू सांप को दूध पिला रहा मैं। ये संभाल रहे हो ऐसे बने ले हाईजैकर ए सारे कमांडो बहन चोदो बंदूकें उठाओ और अपना काम करो। और तू और सालो तुम सब अरे संगीत सेरेमनी में आयो क्या। अरे हाईजैक हुए हो थोड़ा तो डरो मानम प्रेशर है पहली बार है हमारा पर थोड़ी तो इज्जत करो। अब की बार किसी की आवाज आई ना तो सालो आखिरी बार आई ली। मरने का शौक है क्या तेरे को। चुपचाप बैठ अबे वो ततैये की झट। लगता है पहुंच गए। जरकट्टू मेरे घोड़े कहाँ हैं।
किरकट्टो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किरकट्टो वीर बहादुर किरकट्टो, राजा भभूष कहाँ है? ले चलिए मुझे उनके पास। भंडारियों की रक्षा करना मेरा परम धर्म और कर्म है। बे क्या बोले जा रहा है? कबीले की मणि की रक्षा करने में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ किरकट्टो। वे पीछे होना तो मार दूंगा। एंथनी भाई साले वही रुक जा, पंचर कर दूला। सरकार भभूष सरदार भभूष सरदार भभूष मैं टिटारा की पहाड़ियां चीरते हुए आया हूँ आपके गिरोह में शामिल होने। मुझे अपना लीजिए क्योंकि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। मेरे को क्या लगता है इसका भी वही मकसद है जो हमारा है। तो रख लें इसे। और क्या, तीन से भले चार। ठीक है ठीक है, तू हमारे पाले में आ जाओ। सरदार भभूष सरदार भभूष हुआ बहुत जोर से हुआ। तू वहां जाके पीछे जा, पीछे खड़े हो जाओ। ए, मारा वारा तो नहीं तुझे? ठीक है तू? अबे ओ लंच रेडी है, किसी को भेज मेरे से लंच डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए। मैं जाता हूँ भाई। एंथनी भाई रसोई का काम मुझे ज्यादा अच्छा आता है, मैं जाता हूँ ना। अबे ओ रसोई मैनेजिंग का काम है वहाँ पे, ठीक है? पायदान से शक्ल के चुपचाप बैठ जाए इधर। साले तू शक्ल पे मत जा, अगर तेरी जैसी शक्ल होती ना अपने बाप को सू कर देता कोर्ट पे। अकबर अमर अमर तू जा भाई, पिंकी बहन का हाथ बटवाने। और अकबर तू मिशन की सब अरे गधे की गांड में गया मिशन, मरवा लो खुद कर लो। सोते लो ना तो हर बारी पीछे भेजते रहते हैं। जा रहा हूं बे यार। ओए पैसेंजर कबीले वालों को देखता रहे। जी सरदार। अक्कू गौरा बैल तो खूटे से किसने खोल दिया, आते चढ़ा के लाऊं? अक्कू भाई प्लीज बाहर आ जा प्लीज, देख बड़े भाई की बात नहीं सुनेला, ऐसे मत कर प्लीज आ जा। नहीं भाई आप हमेशा उसकी तारीफदारी करते हो, मैं सोते लाऊं ना? छी पागल है तू, कैसी बातें कर रहा? हाईजैक का प्लान पहले तुझे बताया था उसे बताया था? देख मेरे छोटे भाई प्लीज बाहर आ जा प्लीज। अट्टी बट्टी अट्टी बट्टी अट्टी बट्टी भाई प्लेन उड़ाऊंगा। ओए पाले ले तू, प्लेन कैसे उड़ाएला? मेरा बच्चा मेरा बाबू प्लेन उड़ाएला, चल मैं तुझसे प्लेन उड़ाऊंगा। प्लेन तलाऊंगा प्लेन तलाऊंगा प्लेन तलाऊंगा। ए क्या ये? ओए हट, क्या कर रहा है बच्चा है? मैंने उसको प्लेन चलाने का तो चलान दे। देखिए आप ये डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, हाईजैक वाईजैक तक तो ठीक था पर ये ज्यादा हो रहा है, ऐसे कोई यहाँ पे आके नहीं बैठ जाता। अरे मोटी मोटी किताबों के पन्नों में उलझ के इंसान काबिल बनता है यहाँ पे बैठने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई 6 फुट का झाड़ आएगा और बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठ जाएगा, क्यों नहीं बैठेगा। ये सीट इन्हीं के लिए तो बनी है, सारे सारे गुण दिख रहे हैं मुझे इनमें। ये लो आप मेरी टोपी ले लो, आप मेरी लाइसेंस ले लो, आप एक काम करो आपने मेरी गाल ले लो। उड़ाओ उड़ाओ प्लेन उड़ाओ। कनेक्ट हुआ? इन प्रोग्रेस है सर। कितना माइलेज देता है भाई? एंथनी भाई डिपार्टमेंट वाले से वही बात, बात आगे बढ़ी कुछ? हाँ हाँ वो अपने सीनियर को ला रहे हैं हमसे बात कराने के लिए, हमारे नाम से थर थर कांप रहे हैं साले थर थर। कापरा भी चाहिए सालों को। बहुत सही भाई बहुत सही। की तो आज भी झूठ बोलते हुए आँख में सलता है। क्या मतलब? ए ड्रामे मत कर, मुझे सब पता है, तेरी बात डिपार्टमेंट वाले सुन नहीं रहे और सुनेंगे भी नहीं जब तक तुम बॉस नहीं देगा। अरे इस एयरलाइन के एविएशन कंट्रोलर का बेटा सूर्य कुमार वो भी इसी फ्लाइट पे है और वो ही बॉस है, बाकी तू देख ले। सरदार भाला तेज कर लिया है,
बताइए कहाँ गाड़ू? नहीं नहीं नहीं, उस लड़ाई से पहले हमें एक और लड़ाई लड़नी है। क्या? एक घुसपैठिया इस कबीले में घुसा है। क्या बात कर रहे हैं? हमें उसे ढूंढना है। सबकी आईडी पहचान पत्र चेक करो, हमें सूर्य कुमार चाहिए। सूर्य कुमार? अमर सबकी आईडी चेक कर, सूर्य कुमार चाहिए। वैसे आप तीनों सौतेले भाई हो? जी। नाम क्या है आपका? अकबर। सिर्फ अकबर? पीछे क्या लगाते हो? जो मिल जाए, क्रीम, तेल, वैसलीन, थूक। बोलू सरदार भभूष, मिल गया घुसपैठिया। जल्दी ला, इधर ला। इस घुसपैठिया को मेरे सामने लाइए सरदार, आज इसके लहू से प्रतिभोज करूं। सरदार आपने मुझे मारा, मंदोदर ने भड़काया है आपको मेरे बारे में, मैं उसकी जान ले लूंगा। अब इसको किसने खुला छोड़ दिया यार? अमर इसकी लुद्दी रस्सी तो अंदर लेके जा। छोटा सरदार, छोटा सरदार। प्लेन तो बढ़िया लिया आपने। थैंक यू। बस बूफर और लग जाते ना, बूम बूम, एकदम मजा आ जाता, सेक्स हो जाता। साले, साले। लोका सरदार आप भी? अबे निरूपा रोए, बंद कर अपने ड्रामे। ओए तू कनेक्ट कर, ओए लाउड स्पीकर कर। हेलो हेलो, हमें मदद की जरूरत है। अरे मदद तो मुझे भी चाहिए तुझसे, बस एक बार कोई सुन तो ले। ए बात कर अपने बाप से। मेरे पिता? हाँ। मेरे पिता तो टिटारा और बूबागढ़ की लड़ाई में शहीद हो गए थे सरदार, मुझे लगता है ये कोई घुसपैठिया है। आप कहें तो इसका घर आपके चरणों में लाके रख दो। सूर्य, 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 ए हेलो, ए हेलो सूर्य, बंद करो तेरी। सूर्य हेलो, बेटे बेटा कहाँ है तू? सूर्य घुस ले अब्बास। मंदोदर, क्रूर मंदोदर की आवाज, कहाँ है, कहाँ है मंदोदर? मंदोदर, तूने मेरे ईश्वर रूपी सरदार को मेरे खिलाफ करके अच्छा नहीं करा, तेरे सीने में अपना हाथ डाल के चीर दूंगा और तेरे रक्त से अपनी तृप्ति करूंगा। कौन? मेरा नाक फड़फड़ा रहा है, यहाँ से फेंक के मारूंगा, वहां तेरा खानदान संभोग कर बैठेगा। क्या सरदार? सरदार मंदोदर, 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 मंद सही कह रहा है तेरे घर का चिराल, तेरा बेटा हर लंटे मौत की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि लिफ्ट खराब है। अरे है कहाँ वो फ्लाइट TH50 में जो पिछले 3 घंटे से हाईजैक्ड है? हाईजैक है? आप लोग हो कहाँ से? कहाँ से हो आप लोग? लश्कर, अलकायदा? नहीं नहीं चचा, हम तो रजौरी से हैं। क्या रजौरी? रजौरी आपातकालीन है ताइबा, रजौरी आपातकालीन है ताइबा। हाँ ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो कभी नहीं नाम सुना इसका। अरे कहाँ से सुनोगे, सुबह 9 बजे तो बनी है। 9 बजे तो बनी है? हाँ नहीं सुनी तब सुनते रहो ले। अब वो तेरे ऊपर है, तुझे तेरा बेटा 206 एडियो में पूरा चाहिए या नहीं। हमारी कुछ डिमांड है जो तुझे आने वाले 1 घंटे में पूरी करनी है। ठीक है ठीक है, क्या डिमांड्स हैं तुम्हारी? हमें पब्ली चाहिए। क्या पब्ली? वो तो नहीं है, रेखा और जया है, भेज दूं, बहुत अच्छा काम करती हैं। ये साले कॉमेडी करता है, हंसबैंड वाले तू। पबजी, पबजी अनबैन करवा, पबजी चाहिए। अबे चूतिया हो क्या? 100-200 करोड़ रुपए मांगो, ये कोई डिमांड हुई? पबजी चाहिए क्या? ये पबजी, पबजी के पीछे पड़े हो हैं? चूतिया गेम, एक नंबर की।
पब्लिक चूतिया ले में अरे 2017 में मिला तो उसे पहली बारी और पहली बार देखते उसे प्यार हो लिया। अरे M416 और UMP9 की ठाए ठाए सुन के सांसें साए साए चढ़ जाती थी। पहले हमसे बिल्कुल भी नहीं खेला जाता था। अरे गटका उतर के भी लटक जाते थे। स्क्वाड मेंबर्स भी टीम में ना सिर्फ सप्लाई जमा करने के लिए रखते थे। और पता है क्या 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 बुलाते थे हमें? नहीं अमर, वो नहीं। लेने दे एक बार, लेने दे। इनको भी पता लगे क्या क्या झेला है हमने। वो हमें नूबड़ा कहते थे, नूबड़ा। पर हमने कभी हार नहीं मानी। हजार जिल्लतों के बाद और कैरीज लाइफ के 152,000 स्ट्रीम देखने के बाद फाइनली हम प्रो बने। हमने भी सपने सजाए थे कि हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लोग हमें भी 100-100 रुपए की सुपर चैट देंगे और बोलेंगे से माय नेम बिग फैन सर। लेकिन तुमने हमारे सपनों पे अंगार मूंद दिए, बैन कर दिए हमारी खुशी। सर पब्लिक सिर्फ एक लेम नहीं है, वो दुनिया है मेरी। और मुझे मेरी दुनिया वापस कर दो सर, मुझे मेरी दुनिया प्लीज वापस कर दो सर, प्लीज। I can understand. No, you don't understand. You don't understand my emotions. But समझो वो एक चाइनीज गेम है। तो चाइना की माँ का हाका नूडल मारो पर हमारा गेम हमें वापस लाके दो। चाइनीज इन्वेस्टर्स को हटाओ पर हमारा गेम हमें वापस लाके दो। हमें हमारा गेम चाहिए, चाहिए। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम जीत ले है कबीले की मणि मिल गई। मुझे भी दिखाओ। सरदार मणि तो बहुत सुंदर है। मणि नाम है इसका। चुप बैठ के लोड़े। कौन ले गया इसको यहाँ पे? कौन ले गया? क्या हुआ काव फिरो? दो सकता आने से पहले ही रू काव गए। साले तू ले के आई ये क्या जुतली बॉम्ब है? क्यों किया तूने ऐसा? जन्नत जाना था मुझे। अरे बेटा जन्नत थाईलैंड में मिल तो रही थी। 72 हूरे इंतजार कर रही है मेरा। एक साथ 72 बेटा। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। अबे बुड्ढे कन्यादान की उम्र में कांडी बनने का शौक है क्या तुझे? चुप बैठ जा नहीं तो यही कहीं गाड़ मार दूंगी। बेटी प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं है, थाईलैंड में लग जाता है। पिंकी जी पायलट साहब ना बड़े समझदार लगते हैं, आप उनको बुलाई है, उनको जरूर आता होगा डिफ्यूज करना। हाँ, मैं बुलाती हूँ। कहाँ फंस गया हूँ मैं? 4 बजे लाइव जाना था फैंस के साथ। लिटिल बीस्ट नाउ और नेवर की घड़ी है। चूज कर तुझे किससे लॉयल्टी रखनी है, 2 लाख रुपए महीना देने वाली नौकरी से या अपने 9,990 एंड काउंटिंग लॉयल फैन बेस से? सर आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था पिंकी। मैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं, फूल उड़ने के लिए बना हूँ। 4 बजे लाइव आऊंगा, ज्वाइन कर लेना। और हाँ प्लेन ऑटो पायलट पे लगा दिया है। सर पर उतारेगा कौन? ओ हाँ वो तुम देख लेना। चलो बाय। सर! सर!
साले जल्दी बता कौन सी तार काटूं। अरे भाई प्लीज बता दे यार, मैंने अभी तक सेक्स भी नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर से किया है। सारे सवालों का जवाब ऊपर मिलेगा। साले ऊपर तेरे बाप ने गूगल का हेडक्वार्टर खोल रखा है। बस पहुंचने वाले हैं ऊपर। ऊपर नहीं, we are going down. कितने खुश नसीब हो तुम लोग, एक नहीं दो दो मौतें मिल रही हैं तुम्हें। अबे लहंडे। एंथनी, बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, उससे पहले अगर कोई लैंड करा दे तो हम प्लेन छोड़ के भाग सकते हैं। एंथनी भाई, पबजी में तुम कैसे सेफ पॉइंट पर लैंड करवा देते हो? हेलीकॉप्टर आज प्रो बनने का टाइम आ गया भाई। भाई दिखा दो कि तुम डूब रहे हो। ब्रो ब्रो कबीला बचा लिया। सरदार आपने कबीला बचा लिया। नहीं होता, भागने को बोला था, उसकी गोद में मूंग तलने बैठ गया। बे चलो यार तुम चलो, आ जाओ। नहीं 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 भाई, मेरा मूड नहीं कर रहा, प्लीज बचा ले मेरे को प्लीज। सरदार आप एक वीर हैं और वीर डरते नहीं, उठाइए अपना भाला और चीर दीजिए शत्रु को। चुप भोसड़ी के टार, चुप बैठ तू।
भाई साहब जाने दो ना प्लीज, नेक्स्ट वाली फ्लाइट में आपकी पक्का हेल्प कर दूंगा। ऊपर कुर्बानी मांगी गई है तो कुर्बानी देनी होगी। नहीं 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 भाई साहब, कहाँ ऊपर तक बात लेके जा रहे हो, यहीं कुछ और ले लो ना, मैं बहुत अच्छी देता हूँ। चूतिये तेरा कोई मजहब नहीं है, तू सिर्फ आतंकवादी है, लौड़ू चढ़। जल्दी 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 आगे बढ़ जाइए, चलो 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 चलो। हाँ हो गए हो गए, बहुत करीब से भगवान के दर्शन हो गए। पिंकी पानी पकड़ा यार। मेरा बैग, ये तो पैराशूट है, मेरा बैग कहाँ है? ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? This is the captain little beast signing off. जाने वाली मम्मी, नई साड़ी ले लो, सुपर चैट फिर से आने वाली है, यलगार 2.0 तो तुम पे बनेगा मेरे अमर अकबर एंथनी। अरे थैंक यू सो मच अमर अकबर एंथनी, पबजी वापस आ गया। दशु बेटा पबजी वापस आ गया, एक बार प्लीज धीमे ला लो। ऑलराइट चैट, दैट्स इट फॉर टुडे स्ट्रीम, थैंक यू वेरी मच अमर अकबर एंथनी, आपकी वजह से मैं फाइनली नवीद की सैलरी क्लियर कर सकता हूं, पबजी इज बैक, यानी कि धंधा वापस शुरू। भाई शुक्रिया यार अमर अकबर एंथनी भाई, भाई दिल से शुक्रिया भाई, तुम्हारे वजह से पबजी आ चुका है भाई, मतलब इतनी खुशी यार भाई, रोना आ रहा है यार। Yes, it's really great guys, finally पबजी वापस आ चुका है, and असली पर सेट शॉट तो साला इन तीनों ने मारा, मन कर रहा है कि पबजी ले लूं मैं आके। I'm just speechless guys, thank you so much अमर अकबर एंड एंथनी, मजा आ गया यार, thank you so much, अब हमारा हर रोज रात में होगा बूम बम क्लासिक्स, आइए। थैंक यू थॉमस अमर अकबर एंथनी, तुम तीनों के बताते पबजी वापस आ गया, हम तो थुलू थुलू में बहुत दबला गए थे, हमारा तो कल अभी नया नया थुलू हुआ था। फाइनली अब हम तुम्हारी वजह से दो टाइम रोटी खा पाएंगे और एक टाइम पानी पी पाएंगे। थैंक यू थॉमस अमर अकबर एंथनी। तो अमर अकबर एंथनी, पूरी गेमिंग कम्युनिटी आपके जज्बे को सलाम करते नहीं थक रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, ये तो हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी थी, तो मैंने करी है ड्यूटी और फर्ज 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 भी था, मैंने निभाया फर्ज। निभाया इसलिए क्योंकि मेरे जैसा महान लीडर जो साथ था, जिसके रहते हुए कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। हाँ हाँ, मुश्किल इसलिए नहीं लगा क्योंकि लीडर के जो साथी थे वो बहुत समझदार और होशियार थे। हाँ हाँ, बहुत समझदार थे, इतने समझदार के ओपन से भी इंटर में फेल होते हैं, लेकिन मैंने एमए किया है, मैंने एमए किया है, और ये बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं ये। सर हमें स्टोरी कवर के लिए एक पिक्चर चाहिए, सो कैन यू प्लीज पोज फॉर अ पिक्चर? थोड़ा उधर हो जा अकबर, उधर हो जा थोड़ा, अमर देख मैं लीडर हूं, मुझे बीच मान दे, मेरी खींचो, मैं बीच में सारे ग्रेड ये ले रहे, मेरे को बोल के दे दे। तेरी है फूटी कौड़ी पर हसरत तेरी बेटा करोड़ो। Hey guys, thank you so much for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दो यार, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है, अभी जाके ना सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हाँ एक और चीज, लाइक
लाइक भी करना है वीडियो को ताकि हमें यार थोड़ी मोटिवेशन मिले यार, जिंदगी में थोड़ा मजा आया है, है? है? कर दो कर दो। और हाँ, कमेंट्स वो भी करने हैं और भर भर के करने हैं। और बाकी ये वीडियो शेयर तो तुम कर ही दोगे अपने दोस्तों का, तो कहने वाली बात है ही नहीं। और ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ मेरे को फॉलो कर लो, मैं यहाँ वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ और मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके साथ घूम रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वो डालता रहता हूँ। तो प्लीज इस पे भी मेरे को फॉलो कर लेना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार सी यू, टेक केयर, बाय एंड लव यू। मुझे एक बार बोलोगा 40 मिनट पता चलेंगे सीरियसली, बट गाइस सीरियसली 40 हम एक बार ना लग रहा था कि दो पार्ट में करेंगे, बट बिल्कुल नहीं लगा कि दो पार्ट में करने लाइक वीडियो थी। और मतलब किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, किसको नहीं करना, मैं तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूं, बिकॉज़ थ्रो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो ही बड़ी मजेदार थी। उस टाइम जो स्क्रिप्ट और डायलॉग पंचेस थे ना भाई, मेरे तो घोष बम आ रहे थे, मतलब इतना इमोशनल हो के बोल रहे थे। मुझे मेरी दुनिया प्लीज वापस कर दो सर, प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड। नो यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड माय इमोशंस। बट समझो वो एक चाइनीज गेम है। तो चाइना की माँ का हक्का नूडल मारो पर हमारा गेम हमें वापस लाके दो। चाइनीज इन्वेस्टर्स को हटाओ पर हमारा गेम हमें वापस लाके दो। हमें हमारा गेम चाहिए चाहिए। और उनके इमोशंस पबजी के लिए मैं समझ ही नहीं पा रही थी ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं समझ रही थी पूरा गेम, लेकिन वो जो इमोशन बचा रहे और वहां पे वो खड़े खड़े वो भी रो रहा है भाई। मुझे सबसे फनी पार्ट लगा वो जो कैरेक्टर कबीले वाला भाई धासू, मतलब किसने सोचा था वो मार के उड़ा रहा है वो एक फ्रेम दिखा दे आगे पीछे हो रही है दुनिया हो रही, वो वाला सीन मैं तो शॉक्ड हो गई कि ऐसा ऊपर से उनको जब मतलब फिल्माया भी गया ना उस चीज को, उन लोगों ने वो आदिवासी वाले ड्रेस लिटरली वो देखने में इतना फनी था कि फील करने की तो बात ही नहीं आ रही, मतलब उन्हें देख के हंसी आ जा रही थी। स्क्रिप्ट कमाल की थी कहीं ना कहीं, स्क्रिप्ट के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, उल्टा जो उन्होंने ये कॉकपिट बनाया, प्लेन बनाया, वो कमाल का। एडिटिंग से लेके आप किसी भी चीज की बात करो, पता नहीं क्यों हर्ष बनीवाल की वीडियो तो डे बाय डे इतनी इम्प्रूव हो रही है कि अगर वो किसी दिन मतलब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे भी चले जाएंगे ना तो वी विल लाइक कि हां ही इज द डिजर्विंग पर्सन आई वुड से। और वो ही चिकरा के व्लॉग्स हम देखते रहते हैं, तो जब ये जो नया लुक था ना उसकी है ना वो वीडियो दी है कि भाई नए सूट के लिए ना ये लुक कराया मैंने, वो नहीं हमें नहीं पता हाईजैक में आने वाला है राइट। और वो एंथनी का रोल प्ले करने वाले, सॉरी अकबर का जी। तो दोस्तों इसका BTS भी आएगा मोहित चिकर के चैनल में, जरूर से भी देखें और हमारा रिएक्शन भी होगा उस पर, जरूर से देखना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक इट और सब्सक्राइब कर लेना ट्रेंड में आने के भी, और अगर किसी ने अभी तक हर्ष बेनीवाल को नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।